नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यात्रा की तारीखों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है और दोनों देशों के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है। केंद्रीय बजट में इस बार यूपी के हिस्से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि आने की उम्मीद है। यह उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी की हिस्सेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST अनुदान और कर्जा व एडवांस के रूप में यह राशि मिलने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। राजस्थान के जयपुर में साड़ी का बिजनेस करने वाली महिला से 1 लाख रुपए की लूट हुई है। ATM बूथ के अंदर पिस्टल दिखाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिजनौर में सिगरेट से लदा ट्रक कब्जे में लेने और चालक को बंधक बनाकर 20 लाख की मांग करने के मामले में एक और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद में चालक के पद पर तैनात इस सिपाही को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उर्फी जावेद बेहद बोल्ड एक्ट्रेस है, जो अपने काम के साथ साथ अपने बोल्ड कपड़ों, अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक स्टेटमेंट और इंटरव्यू के लिए जानी जाती हैं। जिन चीजों के इस्तेमाल के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उर्फी उसे अपना फैशन बना लेती हैं। जी हां, रैपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सिल्वर फाइल्स से लेकर कचरा फेंकने वाली पॉलिथीन, मोटरसाइकिल चेन, रिस्ट वॉच और पेपर्स, आसमान के नीचे शायद ही कुछ ऐसा बचा हो जिससे उर्फी में कोई ड्रेस ना बनाई हो। हिमाचल प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों को तैयार करने की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए हरियाणा की खेल नीति को अपनाया जा सकता है। हरियाणा की खेल नीति का मंथन करने के बाद प्रदेश में नई नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के लिए पहले दिन की परीक्षा की पहली पाली का पेपर शुरू होने के आधे घंटे पहले से गणित का प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी सामने आने लगी। नवादा, नालंदा से ऐसी जानकारियां के बाद जब परीक्षा शुरू हुई तो जमुई व मुंगेर में परीक्षा केंद्र के बाहर प्रश्न पत्र हल किए जाने की जानकारी भी सामने आई। इस प्रश्न पत्रों को देखकर असली नकली की पहचान मुश्किल है, लेकिन सुबह 10 बजे तक बिहार बोर्ड ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सैयद, एक पुलिस अधिकारी और होटल व्यवसायी से करीब 52 कनाल सरकारी भूमि खाली कराई गई है। बुलडोजर से इनमें बनाए गए ढांचे गिराए गए हैं। दिल्ली सरकार मेहराम नगर इलाके में देश का सबसे अत्याधुनिक स्कूल तैयार कर रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्कूल की इमारत का डिजाइन बच्चों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। पूरी इमारत बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में शामिल होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष जे सुलिवन से मुलाकात की है। ICET उद्घाटन बैठक के समापन के बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट में कहा कि हम आपसे विश्वास और विश्वास के आधार पर एक खुले, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी परिस्थितियों का तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ।